हमारे मुरादाबाद में 162 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय जर्जर स्थिति में है। इसकी सूचना हमने अपने सर्व शिक्षा अभियान को भेज दी है, वहाँ प्रस्ताव इसका भेज दिया है, जैसे ही पैसा आ जाएगा तो हम इसका पुनर्निर्माण का प्रयास करेंगे। और जो अत्यंत जर्जर जो हैं, हमारे पास 55 पी प्राथमिक विद्यालय और 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय, उनको हमने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पुनर्निर्माण के लिए पूरा बजट वहाँ से मांगा। सर क्या मतलब जैसे बरसात का भी माहौल है इस समय, तो उसके लिए क्या मतलब क्या किया गया जो जर्जर स्थिति में स्कूल है? मैंने जो जर्जर स्थिति के भवन हैं उसमें मैंने सारे खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनको पड़ोस वाले विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाए, बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं।